न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पूर्णिया में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़। पूर्व सरपंच के घर में चल रही थी फैक्ट्री। अत्याधुनिक हथियार बनाने वाली मशीन, बैरल और रॉ मटेरियल बरामद। दरअसल पूर्णिया में आर्म्स बनाने वाली मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। इस मिनी गन फैक्ट्री को पूर्व सरपंच चला रहे थे। ये मिनी गन फैक्ट्री बनमकनी प्रखंड के जानकी नगर थाना क्षेत्र के महाराजगंज एक पंचायत के चमचमा वार्ड 7 से चल रहा था। गांव के ही पूर्व सरपंच मिथिलेश यादव अपने अपने एक पार्टनर के साथ ये मिनी गन फैक्ट्री चला रहे थे। एसटीएफ की टीम ने पूर्णिया पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अगले सुबह 3 बजे छापेमारी कर आर्म्स बनाने वाली इस मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। बनमुखी एसडीपीओ हुलासा कुमार ने मिनी गन फैक्ट्री के खुलासे की पुष्टि करते हुए आर्म्स बनाने वाली अत्याधुनिक मशीन, प्लेट्स, पिस्टल का बैरल और रॉ मटेरियल मिलने की बात कही है। मामले को लेकर बनमखी एसडीपीओ हुलास कुमार ने बताया कि कुछ रोज पहले मुंगेर पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार बरामद हुए पूछताछ में उन्होंने बताया कि पूर्णिया के जानकी नगर थाना के चकमका गांव में यह हथियार बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीने में 4,80,000 का माल मुंगेर लाया आया है। 10 एसटीएफ का जवान 2 वाहन से 7 लेकर आया। इसके बाद मुंगेर एसपी ने पूर्णिया एसपी से संपर्क किया। इसके तहत ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए एसडीपीओ हुलास कुमार और जानकी नगर थाना प्रभारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की। तड़के सुबह 3 बजे पुलिस टीम के जानकी नगर थाना क्षेत्र के महाराजगंज एक पंचायत के चकमका वार्ड 7 से पूर्व सरपंच मिथिलेश यादव के घर की घेराबंदी कर ली, जिसके बाद घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पूर्व सरपंच के घर से पिस्टल और कई दूसरे हथियारों को बनाने वाले कई अत्याधुनिक मशीनें लगी मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इसके अलावा पिस्टल का बैरल, प्लेट्स और रॉ मटेरियल भी जब्त किया गया है। मुंगेर पुलिस के एसटीएफ के 10 जवानों के अलावा 2 दर्जन पुलिस मौके पर मौजूद हुई। पुलिस ट्रैक्टर पर लोड कर मशीनें और रॉ मटेरियल को अपने साथ थाने ले गई। हालांकि मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाला पूर्व सरपंच मिथिलेश यादव मौके से फरार हो गया, जबकि भगाने के क्रम में पूर्व सरपंच समेत कई जीतू कुमार को धर दबोचा है। उसने पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि पूर्णिया के बढ़हरा कोठी थाना के कैलूटोल में भी 3 साल पहले मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था। इसके अलावा धमदाहा थाना के कुकरन में भी 1 साल पहले मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ था। नजर डालते हैं एक और खबर पर। हिसार में रोडवेज कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन। लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। परिवहन मंत्री का पुतला जलाया। दरअसल हरियाणा के हिसार में रोडवेज कर्मियों ने गुरुवार को सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और परिवहन मंत्री का पुतला जलाया है। कर्मियों में रोष है कि परिवहन मंत्री एवं विभाग के प्रधान सचिव के साथ 23 जून को हुई वार्ता के दौरान सहमत मांगों को लागू नहीं किया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर आज प्रदर्शन कर रोष जताया गया और बस स्टैंड पर पुतला फूंका। रोडवेज कर्मचारी नेता राजबीर ने बताया कि सरकार आंदोलन के बाद मांगों पर सहमति जता देती है, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जाता। मांगों को लागू करवाने के लिए कर्मचारियों को फिर से आंदोलन करना पड़ता है। मांगे लागू न किए जाने के विरोध में ही कर्मचारियों ने आज हिसार डिपो में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में साझा मोर्चा से जुड़ी हिसार डिपो की सभी यूनियन शामिल रही। कर्मी नेता रमेश शिवकंद ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, लिपिकों, परिचालकों, चालकों का वेतन बढ़ाने, अर्जित अवकाश पहले की तरह लागू करने, कौशल रोजगार निगम भंग कर खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, जोखिम भत्ता देने, डी ग्रुप कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर निकालकर प्रमोशन करने, स्टैंड इंचार्ज का पद सृजित करने, तकनीकी वेतन मान देने, खाली पदों पर पदोन्नति करने वाले आदि मांगों को लागू करने व निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया।
उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की लंबित मांगों को लागू करने के बजाय लगातार सार्वजनिक मकामों को बंद करने पर तुली है। कर्मचारियों की मांगों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार 265 रूट परमिट निजी हाथों में देकर हरियाणा रोडवेज को सिकोड़ने में लगी है। इसका रोडवेज कर्मचारी डटकर विरोध करेंगे। नजर डालते एक और खबर पर। इंदौर में डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई बैठक, प्रबुद्ध महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत करते हुए दिया उद्बोधन। दरअसल शहर में डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा गुरुवार को एक मीटिंग खेल प्रशासन में आयोजित की गई। इसमें विभिन्न शहर की प्रमुख बुद्धिजीवी महिलाएं शामिल हुई। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाएं घूंघट से बाहर निकलकर चांद पर पहुंच रही है। पहले की अपेक्षा महिलाओं में तेजी से आत्मविश्वास बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण बिल स्वीकृत करना स्वागत योग्य है। अब सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संगठनों द्वारा महिलाओं को संविधान सहित संसदीय कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़े और राजनीति के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में रुचि ले। उक्त बातें डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित बैठक में शहर की प्रमुख बुद्धिजीवी महिलाओं ने अपना उद्बोधन देते हुए कही। इस मौके पर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की पूर्व कुलपति डॉक्टर निशा दुबे ने कहा कि पिछले 15 से 20 सालों से महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब जाकर संसद में इसे पास किया गया है, हम इसका स्वागत करते। उन्होंने कहा कि महिलाओं में परिवार चलाने और आर्थिक प्रबंधन सफलतापूर्वक करने का प्राकृतिक गुण होता है। अगर महिलाएं संसद में कानून बनाने में या अन्य जरूरी कार्यों में आगे आएगी तो निश्चित ही माहौल अच्छा होगा। डॉक्टर दुबे ने कहा कि विभिन्न कारणों से सदियों में महिलाएं दबाई गई थी, किंतु अब तेजी से आगे आने की कोशिश में है। आरक्षण से महिलाओं को राजनीति में आगे आने में रुचि बढ़ेगी। वामा क्लब की अध्यक्ष नीता राठौर ने कहा कि महिलाओं में बहुत धैर्य के साथ निर्णय लेने की क्षमता है। अब योग्य महिलाओं को आगे आने के लिए ईमानदारी पूर्वक अवसर मिलना चाहिए। महिलाओं को जितने ज्यादा अवसर मिलेंगे तो उनकी विभिन्न समस्याओं का भी निराकरण शीघ्र होगा। समाज में स्त्री पुरुष का भेद मिट जाएगा। इस अवसर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कार्य परिषद की पूर्व सदस्य जमीला जालीवाला ने कहा कि महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण बिल पास होने के बाद उनमें और ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ने के लिए संसदीय कार्यों तथा संविधान को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।